दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे एक बार फिर से पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ, जो सेंसेशनल चल रहे हैं प्लेयर, स्पेन के प्लेयर वो है कार्लोस अल्कराज। स्पेन के प्लेयर तो राफा नदाल भी है, बट इस बार जो पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ, जो पहले है वो राफा नदाल का नहीं, वो है कार्लोस अल्कराज का। कार्लोस अल्कराज 6 नंबर ATP रैंकिंग थी वर्सेस उनके साथ ही खिलाड़ी थे स्पेन के एल्बर्ट रैमनोस, और क्या मैच हुआ। ये भी मैच 5 सेट तक चला। इस बार शुरू में तो लग रहा था कि कार्लोस जीत जाएंगे, उसके बाद लग रहा था रैमनोस जीत जाएंगे, तो काफ़ी मैच में उलट फेर होता रहा, बट इन दैट कार्लोस ने बाजी मारी दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आए हूँ दोस्तों। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस में। वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। फर्स्ट सेट में क्या शानदार प्रदर्शन किया कार्लोस अल्कराज ने। लग रहा था कि वो तो थ्री लव से मतलब तीन सेट्स लगातार जीत जाएंगे और मैच फिनिश कर देंगे, जो जैसा उन्होंने पहला सेट किया, पहला सेट सिर्फ 25 मिनट में ख़त्म कर दिया। और एक बार नहीं, दो बार सर्विस ब्रेक की अल्बर्ट की, और दो बार सर्विस ब्रेक की और पहला सेट जीता 6-8 से। अब लग रहा था कि आराम से कंफर्टेबली जीत जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि रैमनोस के उधर दिमाग में इरादे कुछ और थे। रैमनोस ने क्या शानदार प्रदर्शन किया, लाजवाब प्रदर्शन किया। पहले सर्विस ब्रेक की, उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस ब्रेक पैड वापस दी, और फिर उसके बाद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 रहा, और इन द एंड टाई ब्रेकर में गया। टाई ब्रेकर में भी पहले तो रैमनोस के पास एक चांस था, उनके पास सेट पॉइंट आया था, बट वो कार्लोस अल्कराज ने सेट पॉइंट सेव कर लिया। उसके बाद फिर से सेट पॉइंट आया और उन्होंने कन्वर्ट किया, सेकंड सेट जीता 7-6, 9-7, 9-7 टाई ब्रेकर का स्कोर। और अगर सेट का स्कोर बोला जाए तो 7-6, 9-7 बोलेंगे, या सिंपल 7-6 भी बोल सकते हैं। थर्ड सेट की ओर बढ़ते हैं तो थर्ड सेट में शुरू में शानदार प्रदर्शन रहा, बट इस बार प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कार्लोस अल्कराज इस सेट में फिर से हार गए और रैमनोस का प्रदर्शन और निखरता गया, बहुत बढ़िया निखरता गया। पहले तो कार्लोस अल्कराज ने इस बार सर्व ब्रेक की थी, उसके बाद रैमनोस ने उनकी सर्व ब्रेक बैट वापस की, जैसे 3-3 हुआ 4-4 कर दिया सर्विस ब्रेक बैट करते, उसके बाद 5-5 किया, उसके बाद सर्विस ब्रेक की कार्लोस अल्कराज की, और उसके बाद अपनी सर्विस पे गेम पे होल्ड रखा, 7-5 से सेट जीता थर्ड सेट और उसका सेकंड सेट हो गया 7-5 से। अब कार्लोस अल्कराज थोड़े तनाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि देखा जाए वो सेट एक डाउन भी हो रही है, और कहा मैच वो जीत रहे थे कंफर्टेबली, जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बट वैसा नहीं हो पाया। और दूसरी ओर देखा जाए ओपोनेंट प्लेयर काफ़ी शानदार खेल रहे थे। उसके बाद आया फोर सेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया कार्लोस अल्कराज ने। ये वाला सेट भी टाई ब्रेकर था गया, जब कार्लोस अल्कराज ने एक बार सर्विस ब्रेक ली थी और एक बार रैमनोस ने सर्विस ब्रेक कर ली, तो लग रहा था कि ये टाई ब्रेकर में पहले नहीं जाएगा। उसके बाद जब टाई ब्रेकर में गया 5-5, 6-6 होके, तो टाई ब्रेकर में कार्लोस अल्कराज ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बताया। और ये वाले सेट में 8 समय ऐसा आ गया था कि अल्बर्ट रैमनोस के पास सेट पॉइंट था, और देखा जाए वो मैच पॉइंट ही था, क्योंकि वो 2 सेट तो ऑलरेडी जीत चुके थे। वो वाला मैच पॉइंट उन्होंने सेव किया कार्लोस अल्कराज ने, 6-6 तार लेके गए, उसके बाद शानदार प्रदर्शन बताया। टाई ब्रेकर में टाई ब्रेकर जीता 7-6, 7-4 से, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बताया। और आगे फिफ्थ सेट में, जब फिफ्थ सेट में आए तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बताया। फिफ्थ सेट में भी कार्लोस अल्कराज ने शुरू में तो दूसरे प्लेयर रामनोज ने अच्छा प्रदर्शन दिया। रामनोज ने एक बार नहीं, दो बार सर्विस ब्रेक की, शुरू में तो 1 लव था, 2 लव था, 3 लव था, उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस ब्रेक में की, उसके बाद रामनोज ने फिर से सर्विस ब्रेक कर दी, उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस फिर से ब्रेक कर दी। जब 4-4 हुआ, पहले कार्लोस अल्कराज आगे थे, आगे बहुत मुश्किल से हुए थे, और उसके बाद उन्होंने फिर से आगे हो गए, क्योंकि 5 जैसे ही 4-4 था सर्विस ब्रेक की थी, 5-4 हो गया था, उसके बाद अपनी सर्विस ने बेहोल्ड रखा, 6-4 हुआ, ये सेट जीता। लड़ा था, देखा जाए पिछले जो 3 सेट थे, एक घंटा प्लस चला, ये थर्ड सेट जो जीते हैं, देखा जाए तो लास्ट सेट था जो फिफ्थ सेट,
वो भी 50 मिनट्स तक चला, तो काफी मजेदार प्रदर्शन किया कार्लोस ने और रैबनोज ने। काश प्लेयर्स के लिए शानदार क्लैपिंग तो बनती ही है, दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो पिछली वीडियो थी वो भी 5 सेट की थी, ये वाली वीडियो ये भी 5 सेट की वीडियो है दोस्तों। तो काफी अच्छा मैच होने वाला है। कार्लोस अल्कैराज़ क्या अगले मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगे, मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट मैच में वो विदिन 3 सेट से ही जीत जाएंगे दोस्तों। आप अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।